हाँ दोनों है। Yeah!
बैठा देना कोई बात नहीं, अंदर जाओ नाम ले लो बस बस बस। एक और आ जाओ, एक और आ लेना, ये हम ही ढूंढना पड़ता है। आप उधर को लीजिए, आप छोड़ दो, आप उस पैकेट को तो बाहर छोड़ दो। चलिए चलिए के साहू है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से आया हूं। हमारा दो एम्बुलेंस आया है मॉक ड्रिल के लिए। ज्वालाहाड़ी में बम ब्लास्ट का हमें खबर मिला 11:52 में, 11:55 में हम लोग वहां से निकल गए हॉस्पिटल से, दो एम्बुलेंस लेके पेशेंट्स को लेने के लिए। 11 और 12:05 में हम लोग यहां पहुंच गए थे। 12:10 से हम यहां से सीरियस पेशेंट, 4 पेशेंट को लेके दो एम्बुलेंस से निकल गए थे और हॉस्पिटल में छोड़ के फिर दोबारा आके 6% टोटल हम ले चुके हैं यहाँ से, और सारे मरीज सीरियस हैं जितना हम लेके गए हैं। अभी कुछ पेशेंट यहाँ पे मरे हुए भी पड़े हुए हैं, उनको हम लेने अभी आए हुए हैं। इस तरह की मॉक ड्रिल चल रही है क्या रियल लाइफ में भी ऐसा? रियल लाइफ में अगर ऐसे आपदा आए तो उसके लिए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल रेडी है, और हम लोग इसी टाइम फ्रेम पे हमेशा के लिए रेडी है कि हम पहुंच जाए और लोगों की सहायता करें और समाज की सेवा करें। थैंक यू। सर मैं यहाँ ज्वेलरी मार्केट में दुकानदार हूँ। ऐसे जो मॉक ड्रिल हुई है, इसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो ये हर समय टाइम पे होनी चाहिए। जैसे आज सुरक्षा हो रही है, इस तरह से डेली हो रहा है, तो मार्केट में कर्मचारियों के लिए ये है, मार्केट में ये पटरी है आज दुकान। मॉक ड्रिल में क्या क्या सिखाया गया, बताया गया? मॉक ड्रिल में ये बताया गया, जैसे बम फटता है कि ये वारदात होती है, तो ये उनको टाइम पे बुलाया जाए, पुलिस को, एम्बुलेंस और ये बॉम्ब टीम को टाइम पे बुलाया जाए। फिर यहाँ प्रैक्टिस देखें कैसे ये हो रहा, अगर ये ना हो तो फिर देश का क्या होगा। मार्केट की बात की जाए तो किस तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए यहाँ पर? मार्केट में जैसे आज सुरक्षा, तो उस तरह से डेली हो सुरक्षा तो ज्यादा बढ़िया। I'm SDM Punjabi Bagh and this area Jawalahedi comes under my subdivision. आज हमने यहाँ मॉक ड्रिल एज पर द डायरेक्शन ऑफ आवर हेडक्वार्टर, हमने हेडक्वार्टर की डायरेक्शन पे मॉक ड्रिल किया, और हमारे यहाँ बम ब्लास्ट का हमें मॉक ड्रिल किया। इस बम ब्लास्ट की सूचना मेरे पास 11:48 पे आई, और हम ठीक 11:58 पे अपने ऑफिस नांगलोई से, जहाँ मेरा ऑफिस है वहां से हम 10 मिनट में यहाँ पहुंच गए। यहाँ मैंने देखा कि ऑलरेडी फायर ब्रिगेड आई हुई थी, और दूसरे सपोर्टिव हमारी एजेंसीज और डिपार्टमेंट भी यहाँ, हमें इनको सूचना दे दी गई। इस मॉक ड्रिल का हमारा बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा। इसमें हमारी जो कैजुअल्टीज हैं 20 मेजर, 15 माइनर और 5 डेड कैजुअल्टीज हुई हैं। इन कैजुअल्टीज को हमारे यहाँ सारी एजेंसीज ने बड़ी अच्छी से टेकअप किया, खास तौर पे फायर ब्रिगेड, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट में फायर एजेंसीज का बहुत बड़ा काम होता है। ये इन टाइम इनके आ गई थी इनके फायर ब्रिगेड की एक मशीन, और उन्होंने अच्छे से इसको चेक किया, लेकिन स्ट्रक्चरल इंजीनियर एमसीडी के पहुंचने की वजह से, लेट पहुंचने की वजह से इनके काम में थोड़ा सा डिले हुआ। फिर भी इन्होंने बैक साइड से कॉन्टेक्ट करके और काफी लोगों को, लगभग 48 लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया। एमसीडी के भी स्टाफ में सिवाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर के, बाकी सारे लोग सैनिटेशन दूसरे डिपार्टमेंट टाइम पे हो। पुलिस ने इन टाइम हमारी डायरेक्शन पे और हमारे हेडक्वार्टर की डायरेक्शन पे
डाइवर्जन कर दिया था, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। ट्रैफिक पुलिस टाइम पर पहुंची, एम्बुलेंसेज भी हमारी सारी टाइम पर आ गई और हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कम से कम कैजुअल्टीज हुई। बॉम्ब स्क्वेड को भी हमने डायरेक्शन दी कि और बॉम्ब तो यहाँ नहीं है, तो वो बॉम्ब स्क्वेड अलॉन्ग विद डॉग स्क्वेड वो सारी टाइम पर पहुंच गई। और इन एडिशन हमारे सिविल डिफेंस के साथियों ने और फूड एंड सिविल सप्लाईज के साथियों ने बड़ा कोऑपरेशन किया और हमारा ये मिशन बहुत सक्सेसफुल रहा। हम काफी लोगों की जान बचाने में यहाँ सक्षम रहे। लगभग हमारी कोशिश रहती है कि हम मॉक ड्रिल का हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसको फुल प्रूफ रखें। तो फुल प्रूफ हमारा मॉक ड्रिल हम इसीलिए करते हैं ताकि अगर एक्चुअल में ऐसी कैजुअलिटीज हो जाएं तो हम उसको फुल अपनी प्रिपेयर्डनेस को सही से रख सकें और ऐसी सिचुएशन में हम सारी सिचुएशन को टैकल करके मैक्सिमम लोगों को ऐसे डिजास्टर से बचाने में सक्षम रहे। आज के मॉक ड्रिल में क्या क्या, चूंकि ये मॉक ड्रिल हमारी एक प्रिपेयर्डनेस को शो करता है टूवर्ड्स हमारी तैयारी जो इनके लिए है, इसमें लैप्सेस तो थोड़ा सा हमारी जो और एजेंसीज हैं उनके प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंचने में थोड़े से कई बार लैप्सेस आते हैं। जैसे फायर डिपार्टमेंट ने मुझे रिपोर्ट किया कि इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, तो हमने उनको इंटीमेट किया हेडक्वार्टर के थ्री, तो उसमें थोड़ा सा वो लेट पहुंचे जिस कारण से उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई और बैकडोर से उन्होंने साथ वाली बिल्डिंग से एंटर करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने बहुत अच्छे से सहयोग दिया। ऐसे टाइम पे सारे ही लोग सहयोग देते हैं क्योंकि कभी भी कोई इस टाइप की कैजुअलिटी होती है, खासतौर पे यहाँ के एसोसिएशन में, खासतौर पे शर्मा जी यहाँ के प्रधान हैं और लोग हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने काफी अच्छे से हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी हेल्प करी।